तो राम राम दोस्तों, क्या हाल है। तो कुछ दिन पहला नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है जो कि हिंदी में भी आपने देखने मिल जाएगी, जो कि कुछ हद तक स्वीट होम जैसी लगेगी आपने, जिसका नाम है पैरासाइट द ग्रे। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं है, मगर कुछ हद तक ये स्वीट होम जैसी है, जिस तरह आपने के ड्रामा पहले भी देखे वैसी वैसी स्टोरी है। पर ये आपने क्यों देखनी चाहिए वो मैं आपने बताऊंगा। तो सबसे पहला, अगर आपने पैरासाइट के बारे में सुना है तो एक जैपनीज माँ का मुंह का क्या होते वो भी है, और ये एक जैपनीज फिल्म भी है जो कि 2014 से लेकर 2015 में आई थी, यानी इसके दो पार्ट थे टोटल। लेकिन ये कोरियन ड्रामा है और कैसा है इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टोरी इसकी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो पहले एपिसोड में बता दी जाती है। इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि कुछ एलियन क्रिएचर धरती पे आते हैं, कान या नाक से इंसान के अंदर घुसते हैं और उनके दिमाग को खाते हैं, उनके दिमाग पे कंट्रोल करते हैं। पर जो अपनी मेन करेक्टर होती है वो बीमार होती है, उसके क्या होता है वो आप इस सीरीज में देखना, कि उसके शरीर पर वो पूरा कब्जा नहीं कर पाते, तो इसलिए वो आधी इंसान और आधी एलियन रहती है। तो अब वो कैसे लड़ते हैं, एलियन आपस से लड़ते हैं, इंसान एलियंस को मारना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही जल्द पता लग जाता है कि एलियन धरती पे आ चुके हैं, तो ये सब कैसे होता है, वो कैसे जाते हैं, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। अब जो सीरीज की मेन करेक्टर, उसको काफी ढीला रखा गया, मतलब उस पर ज्यादा फोकस करती नहीं है सीरीज, ना ही उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, ना ही उसके मेन किरदार पे, ना उसकी कोई लव स्टोरी, ना उसकी पर्सनल लाइफ, इस पे ज्यादा सीरीज फोकस करती नहीं है बिल्कुल। और जो इसमें क्रिएचर है उनका भी मोटिव पूरे तरीके से क्लियर नहीं दिखाया गया, और हाँ पूरे क्रिएचर खत्म हो गए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें दिखाया गया कुछ क्रिएटर एक ही टाइम पे धरती पे आए थे और वो दोबारा कभी धरती पे नहीं आए या आएंगे इसका कोई पक्का नहीं है। इस सीरीज में सिर्फ कोरिया की कहानी दिखाई गई है, जबकि हमें पता है कि ये क्रिएचर पूरी धरती पर गिरे थे, तो बाकी देशों में क्या होता है क्या नहीं उसका इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। इसकी अच्छी बात तो ये है कि ये सीरीज फास्ट है, सिर्फ 6 एपिसोड है, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कब खत्म कर दिए। और जिसका पहला एपिसोड है उसकी स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया जाता है, जो हमारे मेन करेक्टर उस पर भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, उसको चोट लगती है, एलियन उस पर कब्जा करते हैं, कहानी स्टार्ट होने लगती है, और इसकी एंडिंग को भी पूरी तरीके से खत्म किया गया है। पर एक छोटा सा हिंट छोटा गया है जिसके कारण इसका अगला सीजन आ भी सकता है, और अगर ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे इसकी कमियां क्या है। इसमें कमियां तो थोड़ी ऐसी हैं कि ये सीरीज आपको थोड़ी कॉपी लगेगी, मेरे को स्वीट होम देखी थी, मेरे को उसकी थर्ड कॉपी वगैरह लगी थी। और जो हमारे करेक्टर उन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया, कोई करेक्टर डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो हमारा एक मेन हीरो है इसमें एक लड़का दिखाया गया, क्योंकि वो एक इंसान है और उस पर भी ज्यादा इतना फोकस किया ही नहीं गया। और जो हमारी मेन एक्ट्रेस है उसका तो पूछो ही मत, उसका एलियन कब्जा करता है और उस पर दोबारा ध्यान ही नहीं दिया जाता, और एंडिंग में उसकी ताकतें क्या है उनकी, ये सारी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। और एंडिंग के क्लाइमेक्स खत्म होने के बाद एक हिंट है कि जो हमारी जैपनीज मूवी थी, अगर आपने कोई जैपनीज मूवी देखी है, उसका जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो उसमें कैमियो है, छोटा सा कैमियो लास्ट में। बाकी देखो कि अगर इसका सेकंड सीजन आएगा या नहीं। बाकी जो मैंने इसकी मूवी देखी थी वो ज्यादा अच्छी थी सच में, उसका एक्शन, उसका थ्रिल, उसका स्टोरी प्लॉट वो ज्यादा अच्छी थी। अगर आप देखना चाहो तो पहले इसकी मूवी जरूर देख, जो कि बिल्कुल अलग है, जो जैपनीज मूवी है जिसका नाम भी पैरासाइट है, जो कि 2014-15 में आई थी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सीरीज साथ में जब रिलीज हुई, ये एक हफ्ते पहले आई थी, साथ में इन्होंने हिंदी में दे दी, और इसकी हिंदी डबिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका VFX से लेकर सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, VFX कुछ जगह तो मेरे को वीक लगा कि जहाँ क्लोजअप के शॉट आते हैं तो यहाँ पे जो एलियन निकलता है उसके कुछ सीन मेरे को लगे कि ये बेकार है, पर कुछ जगह ये सीन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पर जो मॉन्स्टर है वो बिल्कुल स्वीट होम जैसे लगे, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर मैंने स्वीट होम में भी देखे थे, मतलब कुछ तो अलग करते। पर जो जैपनीज मूवी थी उसमें मॉन्स्टर को अलग तरीके से दिखाया गया, जो कि अच्छी बात थी। मेरे को कई जगह ऐसा लगा इन्होंने जैसे स्वीट होम वाले एक्टर या उनके VFX आर्टिस्ट को उठा लिया। बाकी अगर आप कुछ अच्छी सीरीज देखना चाहते हो तो ये सीरीज आप जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।